आइए नाचें गाएं धूम मचाएं। हम सीएलसी के पावन प्रांगण में खड़े होकर के एक अनोखा कार्यक्रम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को शादी से जोड़ना चाह रहे हैं। इंजीनियर सरवण जी चौधरी के सुपुत्र साहिल जी की शादी का एक कार्यक्रम मंगल गीत के रूप में हम पावन प्रांगण में शुरू कर रहे हैं और हम इसको लाइव कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा यह मकसद है कि हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखें। हमारी माताएं बहनें जब गांव के चौपाल में और घरों में मांगलिक अवसरों पर जब हमारे परंपरागत गीत गाते हैं तो हमारी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। शादी का अवसर पुरातन संस्कृति से ही एक विशेष अवसर घरों में माना जाता रहा है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, उसी का एक पाठ साहिल की शादी की शुरुआत, मंगल गीत की शुरुआत, जिसमें जैसा आप देख रहे हैं परिवार की माता बहनें और आप साहिल जी की दादी माँ जो इस कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में लेकर के हमारे परंपरागत गीतों को आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें क्रमश है सबसे पहले हम गणेश वंदना करेंगे, उसके बाद में बंदड़ा जो हमारी राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है, बंदड़ा माता बहनें आपको सुनाएंगी। किसी भी प्रकार का जो फूवड़पन आज की संस्कृति में आ गया है उससे हम दूर रहते हुए हमारी नई पीढ़ियों को इस कल्चर से जोड़ते हुए जिंदा रखते हुए इस शादी के पावन अवसर पर हम देखिए आपको सबसे पहले मंगल गीत का प्रथम पाठ गणेश वंदना जो गणेश पूजन के नाम से हम बोलते हैं ये माता बहनें आपके समक्ष रखेंगे अपनी परंपरागत शैली में, जिसमें किसी प्रकार का कोई गीत संगीत ढोल नगाड़ा नहीं, ये केवल अपनी ध्वनि से गणेश वंदना करेंगे और हमारे को ये एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ से टूट नहीं पाएँ, उससे जुड़ती रहें और हमारी जो नई बहू बेटियां हैं आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन पारंपरिक गीतों को अपने साथ रखें, अपनी संस्कृति में रखें। आइए मंगल गीत शुरू करते हैं। माता जी के सानिध्य में सारी घर की महिलाएं मंगल गीत शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश वंदना। जग जानंद आवो जे रित सिद्ध रंग बरसावो जे मारा, जग जानंद आवो जे रित सिद्ध ओ जी दन सागल्या जे मारे सदे मरंग बरसावो जे हे ताता सा पानी तेल युवट मागण नन मण मसनावो जे हे ताता सा पानी तेल युवट गजानंद मलम नावो जे टसर के दोते वसन पीतांबर गणपत कपड़ा पैरो जे टसर के दोते वसन पीतांबर गणपत कपड़ा रोजे आओ जे गजानंद जे रिद सिद्ध न सागल्याओ जे आओ जे गजानंद आओ जे रिद सिद्ध न सागल्या जे रिद सिद्ध न सागल्याओ जे मारे सदे मरंग बरसावो जे लाडो जे पेड़ा सर
सजले भी गणन भोग लगा जे लाडो जे पेड़ सर सजले भी गणन भोग लगा जे आओ जे गजानंद आओ जे रे सते मरंग बरसावो जे आओ जे गजानंद आओ जे मर सदे मरंग बरसावो जे रिद्ध सिद्धन चैनन बरिये कचोरे गणन दिल कलगावो जे गस गस चैनन बरिये कटोरी गजानंद तिल कलगावो जे छोटो सो काडो हृदय गुण मीठो गजानंद भोग लगावो जे राज गजानंद आवो जे मरंग बरसावो जे मारा जग नंद आवो जे रिद सिद न सागल्या जे रिद सिद न सागल्या जे मारे शादे मरंग बरसावो जे छोटो सो कलश्यो जड़े को मेरे डो गजानंद चलो ये करावो जे छोटो सो कलश्यो जड़े को मेरे गजानंद चलो जे महाराज गजानंद जे मारे शादे मरंग बरसावो जे महाराज गजानंद जे सिदन सागल्यावो जे रिद सिदन सागल्यावो जे मारे शादे मरंग बरसावो जे बना गीत और बना शब्द का नाम लेते ही राजस्थानी संस्कृति में सबका मन खुश होने लगता है बना का भी और दूर बैठी बनी का बना और बनी शब्द हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत गहरा शब्द है और माता बहने हमारे अतीत में है वर्तमान में है जो बना गीत बनी गीत बहुत सुंदर ढंग से गाती है अपनी शैली में आधुनिकता से दूर हमारी मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ बना गीत हमारी माता और बहने आपके समक्ष इस लाइव के माध्यम से इंजीनियर साहिल चौधरी की शादी के पावन अवसर पर शुरू करेंगे एक स्वर में बना की बना घोड़े लाथे बले ला ये जो बना है सती थे बले ला ये जो घोड़े बना गए
Yeah.
रोचक दृश्य और बना हमारे बीच है इंजीनियर साहिल चौधरी। सीएलसी की गहरी जड़ों को मजबूती देने वाला हमारा साहिल चौधरी, जो आज इस पावन प्रांगण में बने की भाव भरी आशाओं के साथ हमारे बीच में है और बने का गीत हमारी माता बहनों ने सुनाया। हम जब ये गीत परंपरागत गीत सुनते हैं, विवाह के अंदर हम जब परंपरागत गीत सुनते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि शादी का वातावरण बन रहा है। मैं साहिल से इस पावन अवसर पर माता बहनों की उपस्थिति में पूछना चाहूंगा कि आप न्यू जनरेशन के बना हैं, आपको इन गीतों को सुनकर के शादी के इस पावन अवसर पर कैसे उनका आपके मन में उमड़ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है साहिल कि माता बहने जो गीत गाई, क्या आपके समझ में आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनकी जो धुन है आपको कैसा लग रही है? देखो, शादी से पहले जो फीलिंग पूछ रहे हो तो थोड़ा क्या होना, शादी से पहले वाली फीलिंग पूछ बताना मुश्किल है जी। शादी से पहले वाली फीलिंग नहीं, हमारा जो ये वातावरण है ये आपको कैसा लग रहा है? लोग 3-4 जो गीत गाए जा रहे हैं ना, जो रिदम है, जो टोन है, बिना म्यूजिक के इसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं है, इसके पीछे ये म्यूजिक है हमारा, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद ही म्यूजिक दिल से ना हमारे मम्मी पापा की बहू के लिए खुशी के लिए गाया जा रहा है, तो ये सब लोग खुश हैं, घर में नई बहू आ रही है तो इस खुशी में वो खुशी झलक रही है इन गीतों के माध्यम से, ये बहुत खुश है। और ना अभी बता रहे ना कि ये जो राजस्थान में हर जगह हर कदम पे होते हैं ना, भाषा चेंज हो जाती है, मतलब बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, आप कहीं भी जाओगे ना, जो रिदम है, ये म्यूजिक है ना, जो गले से निकलता है, वो हर जगह सेम है। इन गीतों को हम सुनते हैं तो सब जगह अक्षर यूट्यूब पे जाएगा जी, हम लोग नई गाड़ी का रिव्यू देखने के लिए यूट्यूब सर्च करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मेरे पापा का आइडिया है जी, मेरे को खड़ा कर दिया आपने, बट ये कि ना पंजाब जाओगे तो पंजाबी लोग अपना कल्चर गिद्दा पाते हैं, वो सब करते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आगे प्रमोट करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं, हम पापा के पास मतलब एक बेस है। आपको अच्छा लग रहा है ये जो थीम सजाया है, ये आपको अच्छा लग रहा है? बहुत इंजॉय में देख रहा हूं, आप खुद के लिए गाने तो अच्छा लग रहा है, पहले दूसरों को सुनते तो समझ में आते थे, थोड़ा समझ में आने लगा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, आपने जो भावनाएं दी हैं वो आपने फील कर करके दी हैं। इसके बाद बन्ना के बाद अगला गीत मनाया हमारे माता बहन सुनाएंगे, कौन सा गीत आप उसके बाद में सुनाएंगे? बन्ना गीत के बाद में क्रम जो चलता है संस्कृति के हिसाब से, वो मुझे भी नहीं पता था, मैंने माँ से पूछा इसके बाद कौन सा गीत का क्रम आता है, तो आपने बताया कि घोड़ी गीत, और ये बहुत सुकून देने वाली बात है कि हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं कि कोई क्रम भी गीतों का इस विवाह के अवसर पर होता है क्या, लेकिन बना के बाद में घोड़ी गीत होता है जो हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि उस घोड़ी गीत के शब्द क्या है, हालांकि वो क्षेत्रीय भाषा में है, उसके भाव को हम समझेंगे। गोकल गढ़ सों घोड़ी आए, गोकल गढ़ सों घोड़ी आए, बंगड़ कदाद जे मोल मुलाए, बंगड़ कताऊ जे मोल मुलाए, मैं मोल मुलाए रे पंजाब घोड़े में, मैं से मोल
वृंदावन गोड़े लाए लड़ी ने ठाण बंदाए लाए लड़ी ने ठाण बंदाए हेरी हेरे दो बैतराए वृंदावन गोड़े पोले दुखावे पंजाबन गोड़े जाए समदेरे पोले दुखावे पंजाबन गोड़े और जने ती तोरण निरखे और जने ती तोरण निरखे पंजाबन गोड़े गोकल गढ़ स्यों गोड़े आए गोकल गढ़ स्यों गोड़े आए बनड़ का पापा जे मोल मुलाए बनड़ का चाचा जे मोल मुलाए धरण धरण पायल बाज पंजाबन गोड़े धरण धरण पायल बाजे पंजाबन गोड़े लय लड़ी ने ठाण बंदाए लय लड़ी ने ठाण बंदाए गोड़े खातो खातो दो दे पिलायो ये पंजाबन गोड़े जिस पर बड़ से सायल बनड़ो जिस पर चढ़ से सायल बनड़ो जाए समझे पोड़ दुखावे पंजाबन गोड़े जाए समदेरे पोल दुखावे पंजाबन गोड़े सासू साड़े करे आरते सासू साड़े करे आरतो आरतो यो तार तनिया तो पंजाबन गोड़े आर तो तार तनिया तोड़े ये पंजाबन गोड़े और जने ते तोरण निरखे और जने ते तोरण निरखे पंजाबन गोड़े बनड़ो तो बनड़े झिरखे ये पंजाबन गोड़े। बता रहे हैं कि भाग गीत होगा, भाग गीत का जो नजारा हमारे बीच में होगा उसमें हमने क्रम चेंज किया है, जो अच्छे संगीतकार हैं क्षेत्रीय भाषा के वो हमने बीच में चेंज कर दिए हैं। और ये थीम किसकी है, ये जो शादी के अवसर पर जो थीम हम देख रहे हैं एक अलग सा नजारा। अक्सर हम शादी में देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे फूड पंप के गीत बड़े बड़े तीव्र ध्वनि वाले स्पीकर लगा कर हम सुनते हैं, एक अलग प्रकार का प्रयोग है, किसके दिमाग
दिमाग में आया, हमें पता लगा कि सीएलसी के निदेशक जो हर चीज को अलग ढंग से सोचते हैं। इंजीनियर श्रवण जी चौधरी हमारे बीच में है, एक बार आपसे भी हम व्यूज लेना चाहेंगे, प्लीज आप आइए। इस शादी के अवसर पर भी आपने नव प्रयोग नवाचार सा मेरे को लगा ऐसा किया है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि माता बहनों का इन चीजों में तो शादियों पे कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, आपके मन में ये विचार कैसे प्रकट हुआ? सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, नया करना मेरी फितरत है। 96 में कोचिंग खोलना सीकर में एक नया आइडिया था, मैं परंपरा निभाता ही नहीं हूँ, उस लीक पे चलता लोग चलते हैं, वो चलता ही नहीं मैं। तो मुझे लगा मेरे बेटे की शादी है, मेरी जिंदगी बड़े सुखद पल है। मैंने पिछले 25 साल में कोचिंग से छुट्टी ली है, 15 दिन की तो पहली बार ली है जी, ऑफिशियल ऑफ है बिल्कुल मेरा। मेरे बेटे की शादी हो रही है तो घर में महिला गीत हमारे जो बोलते हैं गांव की भाषा में लुगाया गीत, माँ की भाषा में लुगाया गीत शुरू कर दो आपने, वो गीत स्टार्ट हुए। तो गीत शुरू के बाद मैंने कहा फिर जो आएंगे गीत गालेंगे लोग चले जाएंगे उससे तो फिर यादाश्त क्या रहेगी। मैं क्या हमेशा असेट प्यार करता हूँ। मैं जब 96 में मेरी कोचिंग का पहला फोटो क्लिक कर रहा था तो ये दिमाग में थी कि जब कुछ साल बाद इंस्टीट्यूट बड़ा होगा तो फोटो कहाँ आएगा। तो ये मेरी माँ बैठी है, मेरी दीदी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये वीडियो देसी बिल्कुल गांव का कल्चर, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, सपने हमेशा आसमान छूने के हों लेकिन जमीन मत छोड़ो, ये मेरा सिद्धांत लाइफ का। तो ये आप सब लोग इस गीत देख रहे हैं, ये जब 10 साल बाद ये आज 8 मार्च 2021 की मेरा बर्थडे भी है, 15 मार्च को सारी शादी है 2021 को, तो ये जब 15 साल बाद 10 साल बाद आप देखोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या हमारे घर में हम लोग बैठ के देखेंगे, मेरी दीदी, मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी, हमारी मेरी बुआएं, सब लोग यहाँ मौजूद है, तो इस तरह ही दिमाग में आए जी। साथ में एक बात और जोड़ना चाहेंगे, ये भी एक लव प्रयोग है, भाभी जी आपके साथ में है, उन्होंने भी क्या इसके बारे में आपको कुछ सुझाव दिए, एक बार आप भी साथ में है, आप क्या खड़े हो, आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए मेरे। अच्छा अच्छा, ये केवल और केवल श्रवण जी का ही आइडिया है कि ऐसे माता बहनों को बिठा करके हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखें। नहीं नहीं, मैं इनके लिए इतना ही कह सकता हूँ, भगवान फिल्म का डायलॉग है, तुम हो तो हम है तो सब कुछ है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत हमारे बीच में महिलाएं रखेंगी, जाने को रे पियो गुड़ के भेले बेर चेणा सा मेरे बेरे
की ए बेगो बेगो आई मेरा बेरा अम्मा घर बिड़ दे गुजरे बोला दा गुजरे बोला सा भैंसे देवा सा मेरे बेरे की जे गुजरे बोला सा गुजरे बोला सा भैंसे बेगो आई मेरा बेरा अम्मा घर बिड़ दे तावेली ए कैया अम्मा के जाय ए अम्मा घर नारे केड़ी जे कैया माँ के जाय हे माँ घर नारे लड़ो केड़ी जे दौरानी बोला सा जेठानी बोला सा नारे समझ सा मेरे बेरे की जे दौरानी बोला सा जेठानी बोला सा नारे समझ सा मेरे बेरे की भाई बहन के प्यार का प्रतीक भात एक ऐसा शब्द है। बहन के भाई भात भरने आता है, ऐसा भी दृश्य शादी के अवसर पर पैदा होता है। उसको हमने इस गीत के माध्यम से सुना। उसके बाद हम दूल्हे की जो बुआ जी हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। वो शिक्षिका है लेकिन आज इस शादी के अवसर पर वो अपनी परंपरागत वेशभूषा में माता बहनों के साथ बैठकर के भात घोड़ी और गणेश पूजन के गीत गा रहे हैं। अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसके बाद में कौन सा गीत आप क्रम में रखते हैं। साहिब की बुआ जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे भी हम दो बात करना चाहेंगे। इसके बाद में कौन सा गीत क्रम में आएगा, उस गीत का क्या महत्व है, शादी के अवसर पर क्यों गाया जाता है, अपने हमारे इष्ट देव के लिए जो गीत होता है वो किस रूप में आप बीच में रखेंगे। या शादी के अंदर सर्वप्रथम हम गजानन जी को याद करते हैं, उसके बाद में लड़के की शादी है तो बनड़े गाते हैं, बनड़े के बाद में घोड़ी गीत गाया जाता है, उसके बाद में भात और लास्ट में अपने जो इष्ट देव बालाजी महाराज हैं उनका गीत गाया जाता है और उसके बाद में गीतों का समापन करते हैं। बागे बगे चमारे राम ले चमण का बाग बगे चमारे राम ले चमण का या केसर की
क्यारे बाबा बजरंगे के ए चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के या के सकी क्यारे बाबा बजरंगे के चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के ए दौड़ा दौड़ा कपड़ा मारे राम ले चमने का आ दौड़ा दौड़ा कपड़ा मारे राम ले चमने का यो लाल लंगोटो बाबा बजरंगे को चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के ए यो लाल लंगोटो बाबा बजरंगे को चलो ये लो बाबा बजरंगे के बाण देनो से मारे राम ले चमने का बाण देनो से मारे राम ले चमने का तो मोटो सो गोटो बाबे बजरंगे को चलो सये लो बाबा बजरंगे के ए मोटो सो गोटो बाबा बजरंगे को ओ चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के लाडू तो पेड़ा मारे राम ले चमने का लाडू तो पेड़ा मारे मण कायो चोर मारो पिंडो बाबे बजरंगे को चलो सये लो बाबे बजर कयो चोर माको पिंडो बाबे बजर चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के सोने ये चांदे के जारे राम ले चमने के सोने ये चांदी के जारे राम ले चमने की तो कोरो सो कलश्यो बाबा बजरंगे के ओ चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के तो कोरो सो कलश्यो बाबा बजरंगे को चलो ये सये लो बाबा बजरंगे के सबको नमस्कार गारा बाजे ओए बाजे रे साला सर के मंदिर में हनुमान बिरा रे झालर संगन गारा बाजे रे बाजे रे साला सर के मंदिर में हनुमान बिरा संग नगारा बाज रे बाज।
Say